मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन पेज नंबर 7 इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. स्टूडेंट्स, डिड यू राइट द गिवन एक्सरसाइज इन योर नोटबुक? ओके, नाउ पे अटेंशन हियर. पार्ट सी, ग्रामर. प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट मीन्स जो अभी बात चल रही है, और कंटिन्यूस मीन्स जो उस समय वो चीज़ हो रही है, यानी कि जो चीज़ अभी चल रही है उसकी बात. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. चरणजीत इज स्लीपिंग नाउ. यहाँ पे स्लीप क्या है? वर्ब है, और उसके साथ हम क्या लगाते हैं? आईएनजी. तो वो क्या बन जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं. द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टेल्स अस अबाउट एक्शंस विच आर गोइंग ऑन नाउ एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है वो हमें क्या बताता है? वो हमें एक्शंस के साथ क्रिया जो अभी विच आर गोइंग ऑन नाउ, वो क्रिया अभी चल रही है, जो बोलते वक्त बोलते क्षण वो हमें बताती है. इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वी यूज इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इज एम आर और आई एन जी यूज करते हैं वर्ब के साथ. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, प्ले प्लस आई एन जी. यहाँ पे प्ले क्या है? वर्ब है, और उसमें हम क्या ऐड करेंगे? आई एन जी. तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग. नंबर 2, रन प्लस आई एन जी. तो रन का क्या हो जाएगा? आई एन जी लगाएंगे तो रनिंग. नंबर 3, गिव प्लस आई एन जी. तो क्या होगा? गिविंग. नंबर 4, एल आई ई प्लस आई एन जी. तो उसका क्या हो जाएगा? एल वाई आई एन जी, लाइंग. स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर पेज. रीड द गिवन टेबल. सिंगुलर. सिंगुलर में क्या आएगा? आई एम ईटिंग, यानी कि मैं खा रहा हूं. देन यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो. ही इज ईटिंग, वो खा रहा है. शी इज ईटिंग, वो खा रही है. इट इज ईटिंग, वो खा रहा है. और उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? वी आर ईटिंग, यानी कि हम खा रहे हैं. यू आर ईटिंग यानि आप खा रहे हो. दे आर ईटिंग यानी कि वो खा रहे हैं. नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दिस एक्सरसाइज विथ मी इन योर टेक्स्ट बुक. एक्सरसाइज C1. ए, नाउ एड आई एन जी टू द फॉलोइंग वर्ब्स. यहाँ पे आपको वर्ब के साथ आई एन जी एड करना है. राइट द वर्ड्स इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे वो ब्लैंक्स है, उसमें आपको आंसर लिखना है. नंबर 1, बी आर आई एन जी. ब्रिंग. तो यहाँ पे हमको लिखना है बी आर आई एन जी, और उसमें क्या क्या ऐड करना है? आई एन जी. सो राइट डाउन आई एन जी. ब्रिंगिंग. ब्रिंग, तो उसका क्या होगा? ब्रिंगिंग. नंबर 2, एस ए वाई, से. से के पीछे हमें आई एन जी ऐड करना है. एस ए वाई, से. आई एन जी, सेइंग. नंबर 3, डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट. तो राइट का क्या होगा? डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, राइटिंग. नंबर 4, ई ए टी, ईट. ईट का क्या होगा? ईटिंग. ई ए टी आई एन जी, ईटिंग. नंबर 5, सी यू टी, कट. सो राइट डाउन कट का क्या होगा? कटिंग. सी यू
double T I N G cutting. Number 6 stop. Stop का क्या होगा? Stopping. S T O double P I N G stopping. Number 7 swim. Swim के साथ हम I N G लगाएंगे तो क्या होगा? Swimming. S W I double M I N G swimming. Number 8 T I E tie. Tie का क्या होगा? Tying. T Y I N G tying. Now exercise B. Fill in the blanks with M R or is. Number 1 the fox blank running in the forest. So which answer will come? M R or is? Yes, is. The fox is running in the forest. Number 2 Lalit and Omar blank playing football. यहाँ पे ललित और ओमर दो है तो यहाँ पे क्या आएगा? एम आर और इज क्या आंसर आएगा? यस आर. सो ललित एंड ओमर आर प्लेइंग फुटबॉल. नंबर 3 वी ब्लैंक लर्निंग इंग्लिश. वी के साथ क्या आएगा स्टूडेंट्स? एम आर और इज यस वी है तो क्या आएगा? आर A R E R. So write down R in the blank. We are learning English. Number 4 Priya blank cutting her birthday cake. तो यहाँ पे क्या आएगा? M R or is? Which answer will come? Yes, is. Priya is cutting her birthday cake. Number 5 I blank making a tomato सैंडविच. स्टूडेंट्स आई के साथ क्या आता है? एम आर और इज यस आई के साथ क्या आता है? एम. आई एम मेकिंग अ टोमेटो सैंडविच. नाउ एक्सरसाइज सी. राइट सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग फ्रेजेस. नंबर 1 एम रीडिंग. तो यहाँ पे क्या आंसर आया है? आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक. नंबर 2 वर्स राइटिंग. So write down here, she was writing a letter. Full stop. Number 3 is flying. So make a sentence. He is flying a kite in the sky. He is flying a kite in the sky. Where eating? Where eating? So write down here. We were eating our lunch box. Number 5 are singing. They are singing a song. Now pay attention here. Read these sentences. Number 1 I am jumping. और यहाँ पे क्या है? I am not jumping. यहाँ पे N O T not add करने से क्या होगा? ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा. I am not jumping. Number 2 The girls are dancing. The girls are not dancing. Number 3 The dog is barking. The dog is not barking. Not means no. It tells us that someone is not doing something. Not का मीनिंग क्या हो जाता है? No. और वो हमको बताता है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है.
Now exercise C2. Change the given sentences as shown in sentence 1 in your notebook. Number 1. I am brushing my teeth. I am not brushing my teeth. I am not brushing my teeth. यहाँ पे am का क्या किया है? Short form कर दिया है. I am not brushing my teeth. उसी तरह number 2. The students are marching in a line. तो उसका क्या होगा? So write down here. The students are not marching in a line. और दूसरा सेंटेंस कैसे होगा? The students are not का शॉर्ट क्या हो जाएगा? Aren't. The students aren't marching in a line. Number 3. Fatima is making her bed. तो यहां पे क्या होगा? Fatima is not making her bed. और दूसरा सेंटेंस क्या होगा? फातिमा इजंट, इज नॉट का शॉर्ट क्या हो जाएगा? इजंट. इजंट मेकिंग हर बेड. नंबर 4. द बर्ड इज सिटिंग ऑन इट्स एग्स इन द नेस्ट. तो यहां पे क्या हो जाएगा? द बर्ड इज नॉट सिटिंग ऑन इट्स एग्स इन द नेस्ट. और दूसरा सेंटेंस, द बर्ड इजंट, इज नॉट का शॉर्ट क्या होगा? इजंट sitting on its eggs in the nest. Okay students, here we complete our today's exercise. Now your homework is write this exercise C1 A B C and exercise C2 in your English notebook. Thank you. Have a nice day.